यहाँ पे आप लोगों को एक मालूमात दे दी जाए कि टीम अक्सर जो है वो दूसरे आम मालूमाती मुकाबले की फातह टीम थी, तो आप जिनके साथ बैठे वो साबिक चैंपियन की स्कूल के ही स्टूडेंट है, तो ये आपको आगाह करने के लिए कि आपका मुकाबला किन के साथ है। तो MCQ का सबसे पहला सवाल अल्फलक बॉयज़ के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दस्तूर हिंद के मुताबिक लोकसभा तहलील करने का इख्तियार इनमें से किसे हासिल है? दस्तूर हिंद के मुताबिक सदर जमहूरिया, वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल। 10 सेकंड है आपके पास। सदर जमहूरिया। सदर जमहूरिया श्योर है आप? पक्का पता है? गेस कर रहे हैं? पक्का? देखते हैं सदर जमहूरिया सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अल्फलक वॉइस को 10 मार्क्स मिलते हैं। अगला सवाल टीम अक्सा के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव किस कंपनी ने मुतारिफ कराया? और आपके ऑप्शन सही है इंटेल, वेस्टर्न डिजिटल, IBM, सीगेट। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 IBM। IBM को फिनिश करें, देखते हैं जवाब सही या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अल्फलक गर्ल्स के लिए पहला सवाल MCQ का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंसान के एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाथ जो पंजा है इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शंस है 32, 18, 27, 43। 18। उन्होंने क्या कहा था? 18 ही कहा था। पक्का? सोच लीजिए, 5 सेकंड है। 27। देखते हैं 27 सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब 27। बॉयज के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सन माइक्रो सिस्टम नामी कंपनी ने इन में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इजाद की थी? और आपके ऑप्शन सही है पास्कल, जावा, पाइथन, C++। जावा। ऑप्शन 2 जावा को लॉक करें, देखते हैं जवाब सही या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। टीम अक्सर से MCQ का दूसरा और आखिरी सवाल उनके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इनमें से किस खिलाड़ी की सवाने हयात यानी बायोग्राफी तरतीब दी थी? आपके ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, मोहम्मद अजहरुद्दीन या कपिल देव। मोहम्मद अजहरुद्दीन इन्होंने कहा है, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। 20 मार्क्स यहाँ पे भी अक्सर के होते हैं। अगला सवाल टीम अल्फलक गर्ल्स के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अक्वामे मुत्तहदा के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी कौन है? और आपके ऑप्शन सही है कोफी अनन, अंटोनियस गतरीज, आमिना जे मोहम्मद, मोना जूल। मोना जूल। फ्रीज करें, मोना जूल को फ्रीज करें, देखते हैं जवाब सही या नहीं। गलत जवाब। अब यहाँ पे आपके तो MCQ राउंड खत्म होने के बाद अल्फलक गर्ल्स के हैं 10 मार्क्स और अक्सा और अल्फलक बॉयज के 20-20 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां कि ये दोनों बराबरी के मुकाबले पे है अभी। तो विजुअल का यहाँ पे राउंड शुरू होता है टीम अल्फलक, और सबके लिए एक एक सवालात रहेंगे। तो पहले सवाल सुन लें उसके बाद जवाब दें, क्योंकि जो तस्वीर दी गई है उसके मुतालिक सवाल होगा, उसका नाम होना ये कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहला विजुअल का सवाल अल्फलक बॉयज़ के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये केमिकल कंपाउंड का नाम आपको बताना है, कीमियाई मुरक्कब का नाम क्या है, और आपका वक्त शुरू होता है। ऑडियंस जवाब ना दे। HCl इन्होंने कहा है, देखते हैं सही है या नहीं। बेंजीन रिंग की ये शक्ल है C6H6 जिसका फॉर्मूला होता है। अगला सवाल टीम अक्सा के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस मशहूर सियासी शख्सियत को पहचानना है कि इनका नाम क्या है।
मौजूदा सियासी पस मंज़र के बीच इनका जिक्र बहुत बार आया है, कोई भी एक गेस्ट जो आपको लग रहा हो। सीता नर्मला। सीता नर्मला। सीता नर्मला इन्होंने कहा है, श्योर थे आप या आपने गेस किया है? देखते हैं सही है या नहीं। निर्मला सीतारमन इनको मार्क्स दिए जाते हैं, इन्होंने कोशिश की थी। सीता नर्मला इन्होंने कहा है, लेकिन सीतारमन नर्मला इनका नाम है। तो 10 मार्क्स यहाँ पे इनको मिलते हैं अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल को, सही जवाब है इनका। थोड़े जो साउथ साइड के होते हैं या और कोई कंट्री के होते हैं, नाम लेने में हमें दिक्कत होती है, हाँ, तो इसके लिए उनका एडवांटेज इनको दिया गया है यहाँ पे, उनकी कोशिश सही थी। अगला सवाल टीम अलफलक गर्ल्स के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस हाल ही में नोबल इनाम याफ्ता शख्स का नाम आपको बताना है कि ये क्या है। हम हर विजुअल में जो है एक हिंट आपको देते हैं, उसके बाद आपको वो जवाब देना रहता है कि क्या। अभिजीत। अभिजीत आगे। कोई सभी अभिजीत इन्होंने कहा है, देखते हैं सही है या नहीं। अभिजीत बैनर्जी यहाँ पे भी इनको एडवांटेज दिया जाता है, सही जवाब माना जाएगा ये। अभिजीत बैनर्जी 10 मार्क्स अलफलक गर्ल्स को यहाँ पे मिलते हैं। इसी के साथ एक राउंड यहाँ पे आपका खत्म होता है। दो दो सवाल आपके और बचे हैं विजुअल के लिए, जल्दी जल्दी लेते हैं। अलफलक बॉयज के लिए दूसरा सवाल। इस दिल्ली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का नाम आपको बताना है, या दिल्ली हुकूमत के, ये एक अहम रुकन है रियासती हुकूमत के। कोई सभी एक नाम, जो भी आपको सियासी शख्सियत का नाम याद हो वो नाम बोल दीजिए। कोई आंसर नहीं, आप दोनों में से कोई देना चाहेगा? नहीं, देखते हैं सही जवाब क्या है। मनीष सिसोदिया इनका नाम है, दिल्ली हुकूमत में ये अभी मौजूद है। अगला सवाल टीम अक्सा के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस मशहूर इमारत को पहचानना है, हिंदुस्तानी इमारत है ये, कि ये क्या है, कौन सी इमारत है ये? बॉम्बे हाई कोर्ट। आप गए वहाँ पे, देखा है आपने, तो कैसे बताइए बॉम्बे हाई कोर्ट है? किसने? बॉम्बे हाई कोर्ट इन्होंने कहा है, देखते हैं सही है या नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट, अल्लाह करे वहाँ जाने की नौबत ना आए कभी। बहुत सही जवाब टीम अक्सा का। और अलफलक के लिए अगला सवाल अलफलक गर्ल्स के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस परचम को पहचानना है कि ये किस मुल्क का परचम है। कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? दो तीन नाम बोल दीजिए, क्या पता एक नाम सही हो। कोई सभी एक नाम, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ नहीं, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। कतर का ये परचम है, मिडल ईस्ट की ये कंट्री है ये। आखिरी विजुअल का सवाल टीम, अभी यहाँ पे स्कोर है अलफलक गर्ल्स और अलफलक बॉयज, जैसे स्कूल का नाम सेम है वैसे इनके मार्क्स भी सेम है, 20-20 मार्क्स, और अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल के 40 मार्क्स। तो आखिरी सवाल विजुअल का आप लोगों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर टीम अलफलक बॉयज। इस यूनियन मिनिस्टर का नाम, मौजूदा यूनियन मिनिस्टर का नाम आपको बताना है कि कौन है ये। कोई तो एक गेस, अखबार में तो इनके बहुत तस्वीरें आती है, इंग्लिश हो उर्दू हो, हर अखबार में इनकी तस्वीर एक दो दिन बाद रहती है। देखते हैं सही जवाब क्या है। रविशंकर प्रसाद इनका नाम है, यूनियन मिनिस्टर है ये। टीम अक्सा के लिए आखिरी विजुअल का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आरबीआई के इस अहम शख्स का नाम आपको बताना है क्या है। आरबीआई से शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इन्होंने कहा है, देखते हैं सही है या नहीं। तालियां बज गई थी तो मतलब सही जवाब होगा। आरबीआई गवर्नर है ये शक्तिकांत दास, मौजूदा गवर्नर। और इसी के साथ यहाँ पे इनकी 50 होती है, जो हमारे क्रिकेट में बहुत तालियों के साथ उसका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे भी अक्सा के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए। अलफलक गर्ल्स के लिए आखिरी विजुअल का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस मशहूर फिल्मी शख्सियत को पहचानना है, और बहुत ही मशहूर, अब मैं कुछ बोल दूंगा तो जवाब वहीं पे आ जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। फिल्मी शख्सियत ही मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ तो एक जवाब,
आपके जहन में जवाब आता है लेकिन आप बोल नहीं पाते, क्या जवाब आया था आपके जहन में? देखिए निगेटिव मार्किंग है नहीं, आप इनका नाम कोई मुस्लिम है? मुस्लिम है तो कुछ ऐसा लगता हुआ आसपास। जावेद अख्तर इनका नाम है, फरहान अख्तर के जो शोले लिखी गई थी इन्होंने को राइट की थी। तो यहाँ पे विजुअल राउंड खत्म होने के बाद जो स्कोर है अल्फलक गर्ल्स और बॉयज 20-20 मार्क्स और टीम अक्सा 50 मार्क्स के साथ बहुत आगे पहुँच चुकी है। तरतीब का और बजर का दो आखिरी मरहला बाकी आप लोगों के लिए। तरतीब का, तो तरतीब के लिए आप तैयार रहिए, आपको जो भी सवाल पूछा जाएगा आपको खाली उसका ऑप्शन नंबर आप बोलेंगे तो बेटर रहेगा, और आपको जवाब देना है, आपको लिख के नहीं रखना है, आपको माइक पे जवाब देना है। अगर आप एक दो सेकंड पहले जवाब शुरू भी कर देते हैं और टाइम खत्म हो जाता है तब भी वो आंसर कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन टाइम खत्म होने के बाद अगर आप आंसर देते हैं तो वो आंसर कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल तरतीब का पहला सवाल अल्फलक बॉयज से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आरबीआई के इन गवर्नरों को बाद से शुरू करके पहले की तरतीब में लगाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये, उर्जित पटेल, सब्बा राव, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। ओहदे पर फाइज होने के मुताबिक इनको लगाना है, पहले कौन बने उसके बाद और फिर उसके बाद में, बाद से शुरू करके पहले, सॉरी जो सबसे लेटेस्ट है, फिर उससे पहले वाले, फिर उससे पहले वाले। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी आपको करना होगा। 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। देखते हैं जवाब सही है नहीं। 3, 2, 4, 1 गलत जवाब। बाद से शुरू करके पहले कहा गया था, तो सबसे पहले जो है अभी उर्जित पटेल, फिर रघुराम राजन जो उससे पहले थे, सुब्बा राव, और बहुत पहले जो उन सबसे थे वो मनमोहन सिंह थे। तो टीम अक्सा के लिए सीक्वेंस का पहला और आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जेल के इन अंबियाए कराम को इनके मनसबे नबुव्वत पर फायज होने के लिहाज से पहले की बाद में तरतीब लगाएं, जो सबसे पहले नबी आए थे उसके बाद, और फिर इस तरतीब में आपको जाना है, सबसे पहले से शुरू करके बाद की तरतीब में। इनका सवाल है, आपको रेडी होने की जरूरत नहीं है। तो आपके ऑप्शंस है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। पहले से बाद, एक चार दो तीन। देखते हैं सही है या नहीं। गलत जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, उसके बाद हजरत इसहाक, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक उनकी औलादों में से है तो उस हिसाब से आपको समझना चाहिए था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले। आखिरी सवाल, अभी तक दोनों सीक्वेंस गलत गए हैं, देखते हैं टीम अलफलक। टीम अलफलक गर्ल्स के लिए ये रहा उनका सवाल। जेल के इन मुतबादिलों को पहले से बाद की तरतीब में लगाएं, और आपके ऑप्शन हैं ये, आलमी यौम माहौलियात, यौम महाराष्ट्र, नेशनल साइंस डे, यौम इत्तफाल। दस सेकंड है आपके पास, ध्यान से। तीसरा दूसरा पहला चौथा। देखते हैं जवाब सही है नहीं सीक्वेंस। और ये बिल्कुल सही जवाब, अलफलक गर्ल्स ने पूरा अपना वक्त लिया, और यहाँ पे उसका फायदा भी मिलता है कि वो 20 से डायरेक्ट 40 पे आ गए हैं, सिर्फ 10 मार्क्स पीछे है अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल से। बजर के 5 सवालात रहेंगे तो आपको एकदम तैयार रहना है। सबसे पहले बजर चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, रीसेट किया जाए एक बार। सबसे पहले टीम 1 प्रेस करें, ठीक है रीसेट। टीम 2, ठीक है रीसेट। टीम 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबका चल रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बजर दबाने के बाद जिस टीम को कहा जाए वो टीम आंसर करे। कोई भी जल्दबाजी में उसको लगे कि मैंने पहले दबाया है या टीम नाम किसी और का रहेगा तो फिर उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो पहला सवाल बजर का तीनों टीमों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुरान मजीद की इनमें से किस सूरे में सज्दा नहीं है? टीम अलफलक ने दबाया है लेकिन आपको ऑप्शन आना देना चाहिए, टीम सूरे फुरकान, सूरे मरियम, सूरे अन्नमल या सूरे ताहा।
अगर आप नहीं सूर्य मरियम श्योर है आप सूर्य नमल ये हमको अगले साल से रूल चेंज करना पड़ेगा अगर कोई दूसरा आंसर देता ना मार्क्स हाफ करने पड़ेंगे हमको देखते हैं अभी इन्होंने आपने आंसर दिया है अगर आप नहीं आंसर देते तो -10 होते और अगर आप माइनस आप आंसर दे चुके हैं और अगर गलत हुआ तो -15 होंगे तो देखते हैं ये जवाब सही है या नहीं सूरे ताहा में सजदा नहीं है तो यहाँ पे अब आपके मार्क्स होते हैं 25-40 से अब आगे 25 से इसीलिए हम कहते हैं जल्दबाजी ना करें जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ऑप्शन है और क्या आपको आंसर करना है तो यहाँ रीसेट हो चुका है अगला सवाल तीनों टीमों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 का लफ्ज इनमें से किसे मुंतखब किया था और आपके ऑप्शन है एक्सटिंक्शन ग्लोबल हीटिंग क्लाइमेट इमरजेंसी इको एंजाइटी बजर अभी भी किसी टीम ने नहीं दबाया है 5 सेकंड है 5-4 टीम अलफलक ने बजर दबाया है जवाब चौथा इको एंजाइटी इन्होंने कहा है देखते हैं जवाब सही या नहीं गलत जवाब 40 से आप 10 पे आ चुके हैं 3 सवाल बाकी है अगर सही होते हैं तीनों तो आपके 60 हो जाएंगे और 70 हो जाएगा और अगर नहीं होते हैं तो फिर अक्सर जो है वो एकदम सुकून से बैठे हुए कि हमें कुछ करना नहीं है हम आ चुके हैं ऑलरेडी और अलफलक बॉयज से भी गुजारिश है कि आप 20 पे हैं अभी भी आप टॉप पे आ सकते हैं 3 सवाल बजर के बाकी है आप लोगों के लिए सबके लिए तो अगला तीसरा सवाल देखिए एक बात का ख्याल रखें कि ज़बरदस्ती आपको बजर दबाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप तीनों टीमों में से किसी को भी उसका जवाब नहीं आता है तो वो सवाल खारिज हो जाएगा ज़बरदस्ती बजर दबा कर जवाब देना और गलत देना अपने मार्क्स निगेटिव करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपने बजर दबाया तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा 15 मार्क्स निगेटिव हो जाएंगे और अगर नहीं भी जवाब दिया तो -10 है अगला सवाल तीनों टीमों के लिए बजर का ये रहा आपकी स्क्रीन पर इनमें से क्या एक बादल की किस्म नहीं है आपके ऑप्शंस है सीरस सीरस स्ट्रेटा स्ट्रेटस स्ट्रेटस या नैनो सीरस यह आपके निसाबी किताब का एक सवाल है आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल होगा ये सवाल लेकिन आपके निसाब में है ये वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है और तीनों टीमों ने आंसर नहीं दबाया है तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है नैनो सीरस ये एक बादल की किस्म नहीं है बाकी तीनों बादल की किस्में हैं बजर का अगला सवाल तीनों टीमों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये शेर किस शायर का है चमन में इख्तलाते रंगों बूसे बात बनती है हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो और आपके ऑप्शन सही है मिजाज लखनवी सरशार सहलानी हसरत मुहानी अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल ऑप्शन नंबर 4 अल्लामा इकबाल टीम अक्सर ने बजर दबाया देखते हैं जवाब सही है नहीं गलत जवाब अगर शेर बहुत अच्छा है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो उसका ये मतलब नहीं वो अल्लामा इकबाल या तो मिर्ज़ा गालिब का होगा किसी और का भी हो सकता है वो तो 35 पे अब आ गए हैं अब अगर अलफलक जवाब गलती से भी सही दे देते उनका 40 हो जाएगा और वो आपके आगे चले जाएंगे अलफलक गर्ल्स अगर सही जवाब देती है उनके 30 हो जाएंगे और अगर अक्सर सही देती है नहीं भी देती है तो वो टॉप पे रहेंगे तो मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है ये 2 सवाल बाकी है एक सवाल सिर्फ बाकी है तीनों टीमों के लिए एकदम ध्यान से आपको आगे आना है या तो आपको अपने पोजीशन पे रहना है या आप तो आपको सेकंड पे आना है तीनों के लिए एक एक ऑप्शन है अगला आखिरी सवाल बजर का तीनों टीमों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर इनमें से कौन महात्मा गांधी के सियासी गुरु के तौर पर जाने जाते हैं टीम अलफलक बॉयज ने यहाँ पे एक चांस लिया है गोपाल कृष्ण गोखले लोकमान्य तिलक रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता है या आपने पता है श्योर है आप अब इतनी तालियां बज चुकी है तो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि सही है या गलत बिल्कुल सही जवाब
और आखिरी सवाल पे टीम अलफलक बॉयज ने बाजी मार ली है। अक्सा जो टॉप पे चल रही थी एक गलती की वजह से वो आ गए 35 पे और आखिरी सवाल में टीम ने अलफलक बॉयज जीत लास्ट सवाल का जवाब देकर 40 मार्क्स के साथ यहाँ पे फाते होते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, जोरदार तालियां उनके लिए। यहाँ पे ये दूसरा राउंड मुकम्मल होता है।